हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस कहानी में आलस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें कमेंट ज़रूर करना। प्यारे दोस्तों, आज आलस्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आलस्य क्या है? आलस्य हम सभी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य से हम किसी भी कार्य को करने में अपने मन को नहीं लगाते हैं, तो इसके चलते हम बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित कर देते हैं और यह कहते हैं कि चलो अभी तो बहुत समय है, आज नहीं करेंगे तो इसको कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों कर लेंगे, अभी कहाँ, हमारी उम्र ढलती जा रही है, अभी तो हम बच्चे हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें करते हुए हम समय को काम न करके काम को टाल देते हैं। तो इसलिए और लोग ये भी कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। दोस्तों, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि आज का काम कल करें और कल का काम परसों करें, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। क्योंकि समय अमूल्य होता है, समय का एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय का पालन करना चाहिए। इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम यह काम आज न करके कल कर लेंगे, कल पता नहीं कैसा दिन रहेगा, कैसा समय रहेगा, ये सब सोचते हुए किसी भी कार्य को समय से करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को हमेशा समय से ही करने पर अच्छा लगता है, समय से कार्य किया हुआ अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से कोई भी कार्य समय से ही होना अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से देखो, हमें क्या करना चाहिए, काल करे सो आज करें, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहोरी करोगे कब। दोस्तों, कोई भी कार्य कल के लिए नहीं टलना चाहिए, बल्कि आज का काम अभी करो और कल का काम आज करो, क्योंकि समय कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं रहता है। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। श्लोक भी कहा गया है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी आलस करता है तो उसको विद्या कभी नहीं आ सकती, और अगर उसके पास विद्या नहीं है तो उसको धन कभी नहीं मिल सकता। अगर उसके पास धन नहीं है तो उसको मित्र नहीं मिलेंगे, उसके पास कोई मित्र नहीं आएगा, और बिना मित्र के कभी सुख नहीं मिलता, मित्र से ही सुख मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा। तो आलस्य से भरी हुई अब आपको एक कहानी के बारे में बताते हैं, जो एक कहानी के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। तो दोस्तों, आलस्य से संबंधित एक कहानी इस तरह की है कि एक समय की बात है, एक जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियाँ और जीव रहते थे। वहीं पर एक कौवा और एक गिलहरी भी रहते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दिन घूमते घूमते किसी खाली खेत में पहुंच गए और गिलहरी तथा कौवे ने आपस में बात की और बोले कि दोस्तों, चलते चल करके हम यहाँ पर खेती क्यों ना कर लें, खेती में जो मिलेगा दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे। इस तरह से कौवा और गिलहरी दोनों ने मिलकर खेती करने का विचार बनाया और कहा कि कल से हम लोग खेती शुरू करेंगे। तो गिलहरी दूसरे दिन कौवे से कहा कि कौवे, चलो हम लोग खेत की जुताई गुड़ाई कर लेते हैं, चलो दोस्त हम कर काम कर लेते हैं। तो कौवा वहीं डाल पर बैठ कर कहता क्या है कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ,
ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, काँव काँव करता हूँ। गिलहरी बेचारी चली गई खेत में, और खेत में जा कर के वह खेत की गुड़ाई जुताई करके चली आई। खेत तैयार हो गया और उसने उसमें खेत को बीज भी बो दिया खेत में, और इस तरह से धीरे धीरे वह खेत में रोज़ जाती काम करने। और जब भी कौवे से कहती कि कौवे चलो काम पर चलो, तो वो बार बार यही कहता कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ, काँव काँव करता हूँ, इस तरह कहता रहता। गिलहरी पूरे मेहनत के साथ काम करके फसल को तैयार कर ली। फसल पूरी तरह से पक करके तैयार हो गई, लेकिन कौवा कभी भी खेत में नहीं गया। जब भी वो कहती काम के लिए, तो यही कहता कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, काँव काँव करता हूँ, यही उसका जवाब रहता था। गिलहरी पूरे मन से खेत में काम करके खेत की फसल को तैयार कर ली। खेत की फसल तैयार हो जाने के बाद उसने बटाई के समय भी कौवे से बोली कि कौवे चलो चल करके खेत की हम लोग बटाई कर लेते हैं। तो कौवे ने फिर कहा कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, काँव काँव करता हूँ। गिलहरी बेचारी अकेले जा कर के पूरे फसल के बंटवारा की, और अपना फसल अपने हिस्से का फसल जो था वह ला करके अपने घर में रख दी। अचानक इतना तेज बरसात हुआ कि इतना बरसात हुआ कि सारा का सारा कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा था, और सारा का सारा वो पानी में बह गया, और कौवा डाल पर बैठकर केवल काँव काँव करता रहा और पछताने लगा, काश मैं भी गिलहरी के साथ हाथ बटाया होता और अपनी फसल को ला करके सुरक्षित रख लिया होता, तो आज मेरी फसल नष्ट नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरह से समय से पहले कार्य अच्छा लगता है, अगर समय के बाद समय जब बीत जाएगा तब पछताएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कहा गया है कि अगर क्या पछताए जब चिड़िया खेत चर गई। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।